सितंबर मंथ में है जीएसटी और इनकम टैक्स के इतने सारे कंप्लायंसेस और इसीलिए सभी टैक्स पेयर्स उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से डेट एक्सटेंशन की। फाइनली गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, कुछ ही डेट्स एक्सटेंड की है। जी हाँ, अभी कुछ ही डेट एक्सटेंड हुई है और भी डेट्स के एक्सटेंड होने की उम्मीद है। वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 नई नोटिफिकेशंस जो रिलीज की गई है 21 सितंबर को। जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, इम्पोर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लो। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी। एनुअल रिटर्न और ऑडिट की डेट एक्सटेंड नहीं की है अभी गवर्नमेंट ने, तो अगर आपकी एनुअल रिटर्न और ऑडिट को फाइल करने में कन्फ्यूजन है तो आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका लाइव वेबिनार भी हमने अरेंज कर रखा है, अभी 11 अक्टूबर को शेड्यूल है। तो आपको रिकॉर्डेड सेशन लेना हो रिकॉर्डेड ले ले, लाइव वेबिनार लेना हो लाइव ले ले। साथ ही हमारे दो और कोर्स रनिंग है, तो सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आए आप वो कोर्स हमारा बाय कर सकते हैं। तो 21 सितंबर को 3 नई नोटिफिकेशंस रिलीज की गई हैं, नंबर 66, नंबर 67 एंड नंबर 68। रिलीफ किन के लिए आया है? अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए रिलीफ है। अगर आपकी फाइनल रिटर्न ड्यू पड़ी है बिकॉज उस पे रिटर्न पे पेनल्टी लग रही है 10,000 की, या फिर सेक्शन 317 की अगर हम बात करें तो उसमें रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा भी कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं आई है। और अगर आपको ये नोटिफिकेशंस चाहिए, तीनों नोटिफिकेशंस मैंने मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। आपको सिंपली सर्च करना है सीए गुरुजी और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे हम इंस्टेंट अपडेट शेयर कर देते हैं। तो पहले जानते हैं नोटिफिकेशन नंबर 66 किसकी बात करती है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है और आपके साथ ब्रीफ में ही शेयर करूंगी। यहाँ पे बात की जा रही है नोटिफिकेशन नंबर 66 में सेक्शन 31 के सबसेक्शन 7 में। ये क्या है? सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? पहले तो 31 पता होना चाहिए जो बात करता है टैक्स इनवॉइस की। सेक्शन 31 हमारा टैक्स इनवॉइस की बात करता है। मैंने आपके सामने सीजीएसटी एक्ट ओपन कर दिया और फिर अगर हम बढ़े इसके सबसेक्शन 7 पे तो ये बात करता है कि जहाँ पे गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजा जा रहा है फॉर सेल और रिटर्न और आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शेल बी इशूड। इस केस में इनवॉइस कब इशू करना होता है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। यानी जब भी आप गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजते हो तो आपको इनवॉइस बनाने के लिए 6 months का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। या तो आपके पास अप्रूवल आ जाए तब बना लो या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो इसके कंप्लायंस की डेट गवर्नमेंट ने बढ़ाई अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 31। अगर आपके गुड्स गई है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th March 2020 टू 30th day of October 2020, यानी जिसका जो कंप्लायंस है वो 20 मार्च 2020 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच में अगर फॉल कर रहा है और उसकी कंप्लीशन अगर नहीं की गई है। कंप्लायंस क्या है? इनवॉइस बनाने का कंप्लायंस है आपका। अगर वो कंप्लीट नहीं किया गया है विद इन सच टाइम तो आपको गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है अप टू 31st October 2020। तो अगर गुड्स गई थी अप्रूवल बेसिस पे विद इन 6 months से अप्रूवल के बाद आपने इनवॉइस नहीं बनाया है तो आपको 31 अक्टूबर तक का रिलीफ दिया है, आप इस कंप्लायंस को कंप्लीट कर। तो अभी जो डेट एक्सटेंशन है तीन ही कैटेगरीज के लिए हुई है। सितंबर में बहुत सारे डेट्स फॉल कर रही है, वो आपको जाननी है सारी ड्यू डेट्स सितंबर के जो लास्ट 10 days में आ गई है। तो वीडियो देख लीजिए, यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है, किसी भी डेट को मिस मत करना, बहुत ही दिक्कत आएगी कोई कंप्लायंस अगर मिस हो गया। यहाँ इस नोटिफिकेशन में तो सिर्फ इसी कंप्लायंस की डेट एक्सटेंड हुई है। नेक्स्ट कंप्लायंस के लिए हम आ गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 67 पे। यहाँ पे जो डेट एक्सटेंड हुई है इसके लिए इन्होंने अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 को और ये कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए गुड न्यूज है। लेट फी जो आपके पेबल थी ना किस पर, GSTR 4 पे, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। यहाँ बोला है अगर आपकी GSTR 4 नील की नहीं है तो आपको 250 rupees पर एक्ट पे करना है। यहाँ लिखा है लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 शेल स्टैंड वेव विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 rupees। तो यानी आपसे कितनी लेट फी ली जाएगी? सीजीएसटी के लिए 250 और एसजीएसटी के लिए भी 250, यानी टोटल 500 rupees आपसे लिए जाएंगे अगर आपकी GSTR 4 अदर देन नील की है। और फुली वेव्ड कर दी जाएगी लेट फी वेयर द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज। तो जहां पे आपके लिए टैक्स पेमेंट की बात आ रही है GSTR 4 में फिर तो 500 है आपके लिए लेट फी, और अगर आपकी GSTR 4 नील की है तो
लेट फी भी आप पर नील की एप्लीकेबल है। कौन से पर्सन के लिए, अब कंडीशन एक और है, रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द जीएसटीआर 4। तो अगर आपने जीएसटीआर 4 नहीं भरी है, कौन से क्वार्टर्स के लिए, जब से जीएसटी आया था तब से रिलीफ दे दिया है, जुलाई 17 से मार्च 20 तक, बाय द ड्यू डेट बट फर्निश द सैड रिटर्न बिटवीन द पीरियड। बट आपके लिए ये रिलीफ दिया है इस कंडीशन पे कि आप इन रिटर्न को आप 22 सितंबर 20 से लेकर 31 अक्टूबर 20 तक क्या कर दोगे, फाइल कर दोगे। अब क्या होगा, अब ये नोटिफिकेशन आई है कुछ दिन तो पोर्टल पे लेट फी एक्टिव दिखाई देगी अभी आपको पुराने तरीके से ही, तो वेट कर लेना क्योंकि अभी 31 अक्टूबर तक का टाइम है। और अब सभी लोग ये पूछेंगे कि जिसने लेट फी भर दी है ऑलरेडी उनका क्या होगा, तो आज तक गवर्नमेंट ने उनके लिए तो रिलीफ कभी दिया ही नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी लेट फी भर के जीएसटीआर 4 फाइल कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा है जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उनकी लेट फी इन्होंने वेव ऑफ की है। जिसने ऑलरेडी रिटर्न भर दी है उसकी लेट फी का क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। और आज तक यही किया जा रहा है, जितनी भी रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड हुई है जिन पर्सन्स ने लेट फी के साथ रिटर्न भर दी है उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिया। ठीक है, तो ये था जीएसटीआर 4 के बारे में। नेक्स्ट छोटी सी नोटिफिकेशन रिलीफ के लिए, जीएसटीआर 10 की भी लेट फी इन्होंने वेव ऑफ की है। इन्होंने बताया है कि लेट फी इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 10 बाय द ड्यू डेट बट फर्निश द सैड रिटर्न बिटवीन पीरियड 22 सितंबर 20 टू 31 दिसंबर 20। तो जीएसटीआर 10 यानी जो हमारी है फाइनल रिटर्न, ये अगर आपने अभी तक नहीं भरी थी और उस पर लेट फी एप्लीकेबल हो रही थी 10,000 की, तो वो लेट फी भी अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है। 250 रुपीज है सीजीएसटी के लिए और 250 ही है आपके एसजीएसटी के लिए। बट इसकी कंडीशन है कि अब आप इसे 22 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में फाइल कर लो अगर अभी तक आपकी फाइनल रिटर्न पेंडिंग थी। अब यहाँ भी वही बात कि जिसने ऑलरेडी लेट फी पे कर दी है, 10,000 ऑलरेडी पे कर दिए हैं, क्या उनको कोई रिलीफ मिला है? जी नहीं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। जिन्होंने नहीं भरी है ये उन्हीं के लिए रिलीफ आया है। ठीक है, तो अब आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। अगर अभी कुछ दिन पोर्टल पे लेट फी पुराने वाली आए तो वेट कर लेना क्योंकि पोर्टल को अपडेट होने में कई बार टाइम लग जाता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी यहाँ पे? आई एम होपिंग आप सभी को पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।